वेलकम टू माई चैनल बी शर्मा। आज कुछ खास बात है। हेलो भाई, अबे तू आज भी आ गया, क्या हाल है, क्या हुआ तुझे, बोलना। आज आना तो पड़ा है भाई, मेरा प्रॉब्लम यह हुआ कि मेरा मोबाइल का बैटरी ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप कुछ अरे यार, ये तो सबका प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन को यूज़ करना तक नहीं आता है, इसके वजह से उन लोग का बैटरी हीट होता है। तो जी हाँ, मैं क्या तुम ओरिजिनल जो मोबाइल के साथ जो ओरिजिनल चार्जर मिलता है, तुम क्या उसी उसको ही तुम बार बार यूज़ करते हो क्या? सही में बोलो तो वही तुम बार बार यूज़ करते हो कि नहीं? कुछ एक मतलब कुछ भी मतलब एक ऑर्डिनरी चार्जर को मैं यूज़ करता था। जब से मेरा ऑर्डिनरी चार्जर ख़राब हो गया, तब से मैं कुछ भी काम चलाओ के लिए चार्जर यूज़ करता। यही तो तेरा सबसे बड़ा क्या गलती है, वही क्या बताऊंगा मैं बैड यूज़र हूँ? अपने चार्जर तो को गुड यूज़र कौन होता को है ये बताओ, के लिए अपने ऑर्डिनरी चार्जर सब्सक्राइबर यूज़ को, करना पड़ता है। अपने तुम जो भी अपने बैड लोगों यूज़र को ये हो, बताओ तुमको कि मोबाइल मोबाइल का चलाना आता ही यूज़र नहीं है, क्या होता है, इसी बात बैड में यूज़र होता बताऊंगा। है। तू निकल यहाँ से निकल, हाँ, मैं आज निकल ही तुम जाता फिर हूँ, से तो क्यों मैं आए? वीडियो बना, मैं निकल ही ये जाता तो हूँ यहाँ बताया से। नहीं, बार बार तुमको यहाँ क्या पे भाई, रोज आ सकते हो। मेरे लोगों को तो जैसे कि मेरे भाई साहब ने कहा, उसका मोबाइल का प्रॉब्लम आया है। उसका मोबाइल का प्रॉब्लम यह हुआ कि उसका मोबाइल का बैटरी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है और उसका बैटरी फूलने लगा है। तो ये होता किस लिए? तो होता इसलिए है कि मोबाइल का कुछ मोबाइल का पर्सन बैड यूज़र होता है, कुछ मोबाइल का पर्सन गुड यूज़र होता है। ये गुड यूज़र और बैड यूज़र के बीच में फ़र्क क्या है, वही बताऊँगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर ना करे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन टिप्स के बारे में बताऊंगा, जो टिप्स आपको आपको पता चलेगा कि आप अपने स्मार्टफोन को लेके गुड यूज़र है कि बैड यूज़र से। तो पहला टिप्स ये है कि आप अपने स्मार्टफोन में जो जब भी गेम खेलते हैं या फिर वीडियो देखते हैं और या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर यूट्यूब देखते हैं, जब भी आप अपना स्मार्टफोन का बैटरी 20% हो जाए, 100,000 से 20% हो जाए, तो सभी मोबाइल में एक रिमाइंडर आता है कि प्लीज़ कनेक्ट टू चार्जर, योर बैटरी है लो। तब आप क्या करते हैं, 90% आप 90% लोग या फिर 80% लोग क्या करते हैं, तभी आप अपने स्मार्टफोन को चार्जर में प्लग पिन में एक प्लग कर देते हैं, तभी स्मार्टफोन में चार्ज करते हैं। तो ये गुड यूज़र है। तो गुड यूज़र ये है कि इसलिए होता है कि 20% जब चार्ज होता है तो मोबाइल के बैटरी कैपेसिटी कम होता है, और एप्स का एप आप अपने फ़ोन में जो एप्स चलाते हो, वीडियो कॉलिंग, यूट्यूब और गेमिंग, ये तीन चीज़ के लिए बैटरी बहुत मैक्सिमम बैटरी परफॉर्मेंस को अच्छा पाने के लिए, बैटरी को कैपेसिटी अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को 20% हो जाए, तब अपने स्मार्टफोन से ये तीन चीज़ ना कीजिए। अगर आप करते हैं ये तीन चीज़ तो आप बैड यूज़र से, अगर नहीं करते हैं ये तीन चीज़ तो आप गुड यूज़र से। ये है टिप नंबर वन। और टिप नंबर टू ये है कि आप अपना जो मोबाइल का जो चार्जर ख़राब हो जाए, तो आप क्या करते हैं, मतलब जो गुड पर्सन है वो जाता है, अगर आपका मोबाइल सैमसंग है, अगर सैमसंग का मोबाइल का चार्जर ख़राब हो जाए, तो आप सैमसंग कस्टमर केयर में जाते हैं, तब जाके वहाँ से एक ओरिजिनल सैमसंग का चार्जर लेके आप अपना ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल को कनेक्ट करके चलाते हैं। लेकिन उसमें एक खास चीज़ का आप ध्यान रखना होगा, वो होता है मोबाइल वोल्टेज और मोबाइल एम्पियर, जो चार्जर में लिखा होता है कि उसी तरह का चार्जर आपको लेना पड़ेगा सैमसंग कस्टमर केयर से। तो एग्जाम्पल के लिए बता दो, मेरा मोबाइल है सैमसंग मोबाइल, सैमसंग J2, ये मेरा मोबाइल है। इस मोबाइल का मेरा चार्जर जब ख़राब हो गया था, तो मेरा अपना चार्जर देखा, उसमें लिखा था कि 5 वोल्ट आउटपुट और उसमें था 1 एम्पियर। तो मैंने जाके सैमसंग कस्टमर केयर को बोला कि मुझे मेरा मोबाइल J2 मेरा मोबाइल था, उसका चार्जर ख़त्म हो गया, अब सैमसंग का चार्जर दे। तो उन्होंने दिया था 2 एम्पियर चार्जर दिया था। तो मैंने तब मैंने उसको मैंने सैमसंग वाले को कस्टमर को उसको कहा कि मुझे 1 एम्पियर चार्जर चाहिए और 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए, क्योंकि मेरे चार्जर में वही लिखा है। तब से जब से मैंने ये यूज़ किया है, तब से मेरा मोबाइल का बैटरी का हीटिंग होना बंद कर दिया है। यह है गुड टिप्स। अब अपना चार्जर का जो आप अपना ओरिजिनल चार्जर है, उसमें एकदम ओरिजिनल लिखा रहता है कि कितना एम्पियर चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि क्योंकि मोबाइल का बैटरी किसी का मोबाइल का बैटरी होता है 3000, किसी का होता है 4000। तो इसी हिसाब से चार्जर बनाता है मोबाइल कंपनी, उसी को आपको देख के आपको चार्जर लेना चाहिए, ये एक अच्छा आदत है। तो यह है टिप्स नंबर टू। अभी अभी बात करूँगा टिप्स नंबर थ्री।
ये आदत सभी का कॉमन है क्योंकि आजकल अपने स्मार्टफोन में ज़्यादातर लोग अपना बैक कवर यूज़ करते हैं। मैं अपने स्मार्टफोन में बैक कवर यूज़ करता हूँ लेकिन प्लास्टिक का करता हूँ क्योंकि मोबाइल जहाँ जिस जगह से आप मोबाइल को सर्च करते हैं उसी के बैक साइड मोबाइल के बैक साइड एयर जो मोबाइल का जो बैटरी जो एयर जो हीटिंग एयर होता है जब सांस करते हैं ऐसे हाथ से छूने से उसको पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर में हीटिंग जो एयर जो निकलता है ना उस वो अगर रबर बैक कवर से आप फिट करके रखेंगे तो आप मोबाइल का एयर बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी तरह से बार बार आपका अगर रबर का कवर हो तो रबर का कवर यूज़ मत कीजिए जब अपने स्मार्टफोन को सर्च आप करते हो। तो होता इसलिए ये है कि जब भी आप अपने अपने मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल का बैक कवर यूज़ कीजिए लेकिन आप अपने सप्ताह में 2-3 बार अपने मोबाइल को बैक कवर को खोल के आप फ़ोन को सर्च कीजिए तब अपना बैटरी आपको हीटिंग करना आपका थोड़ा बंद कर देगा। ये था 3 टिप्स जो आप सोचिए कि आप गुड यूजर है कि मोबाइल का बैड यूजर से आप खुद सोच लीजिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपका कोई सा सवाल हो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मेरा एक पिक्चर आएगा उस पिक्चर को आप क्लिक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।